जो महीने की सैलरी आती है उसमें हमारा घर चलाना, फिर दूसरे और पारिवारिक खर्चे और हम बच्चों की फीस। किसी भी एम्प्लॉय के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या फिर कंपनी की तरफ से कोई जो सेवाएं होती है वो नहीं है। सुबह 6 बजे से उठो, सुबह 6 बजे से लगो, 11 बजे तक घर में काम करो, फिर आके दीदी लोगों का 7 बजे जाती होगा। उनको कोई मेडिक्लेम नहीं दिया जाता क्योंकि वो ऑफ रोल एम्प्लॉय होते हैं, अगर वो परमानेंट एम्प्लॉय हो तो उनको वो फैसिलिटी दी जाए। अब जो हम लोगों का पीएफ जमा होता है वो दे दिया जाता है, जो हमारी ग्रेजुएटी है वो दे दी जाती है, उसके अलावा हमारे ना किसी परिवार के लोगों को लगाया जाता है और ना हम लोगों को उसके बाद देखा जाता है। एज रिवीजन और तनख्वाह बढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसके बाद इस कंपनी में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। ना तो कोई आईडी कार्ड है, अपन जिस तरह से अगर कहीं जाना चाहते तो उनके लिए जो कार्ड्स होते वो कार्ड बन जाते, लेकिन बट अपन आईडी कार्ड किसी को दिखाना कि मैं इस चैनल में काम कर रहा हूँ तो वो उस चैनल का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में ये रहता है, अगर आप टारगेट अचीव नहीं करते हो तो 3 मंथ के बाद आपको बैंकिंग सेक्टर से निकाल दिया जाता है, आपसे रीज़न पूछा जाता है, अगर आप टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो खुद ही आप रिज़ाइन दे दीजिए या तो खुद ही आपको कंपनी के द्वारा निकाल दिया जाएगा। हम लोगों का समान कार्य का समान वेतन मिल जाए, जैसे हम जो कार्य करते हैं उस कार्य के हिसाब से हम लोगों को पेमेंट मिले, या हम लोगों को परमानेंट कर दिया जाए, इससे हम लोगों को थोड़ा सा आर्थिक स्थिति में हमारी मजबूत होगी। जो हम यहाँ के परमानेंट एम्प्लॉई है वो तो कैसे रोते धोते अपना गुजर बसर कर देता है, यहाँ के ठेका श्रमिकों की और वर्क कॉन्ट्रैक्ट में कार्य करने वालों की सैलरीज बहुत कम है जिससे उनके गुजारा होना बहुत मुश्किल है। सरकार से तो साहब हमें कोई आशा नहीं है, अभी तक सरकार ने तो कोई हमारी सुनाई नहीं होती है।